क्या मुख्यमंत्री जी उस 40% आबादी को कीड़े मकोड़े समझते हैं कि वो उनका पैरोकार, उनकी पैरवी, उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते? जनजातीय क्षेत्र में घोषित करके क्या आप लाइसेंस चाहते हैं रेप करने का, हत्या करने का, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की? ये बात गलतफहमी दूर करो। मैं सिरमौर के लोगों से दोबारा वादा करता हूं, मैं हिमाचल शिमला आंदोलन में पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया। इस बार आंदोलन नहीं होगा, इस बार यात्रा होगी सिरमौर से लेकर शिमला तक की, और ऐसी यात्रा होगी कि कोई अधिकारी कर्मचारी राजधानी का और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा, मेरा आप लोगों से वादा। मैं तो बस सिर्फ ये देखने आया कि आप लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। आप ये जानो, कानून हमारे लिए, हमारे हमें सुविधा देने के लिए। भाई मैं मानता हूं जब से देश आजाद हुआ है, आजादी से पहले तो हमें अधिकार थे ही नहीं, थोड़े बहुत अधिकार थे जो अधिकार संविधान में मिले हैं। पूरी सरकार मिलकर षड्यंत्र कर रही है कि किसी तरह से वो अधिकार इनसे छीन लिए जाए, ऐसे ही कानून बन रहे हैं। आप ये बताओ, महसूस करो, जब ये देश आजाद हुआ गरीब गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, कितने लोगों को जमीन बांट के दी सरकार ने, कितने लोगों को आर्थिक रूप से मदद की, कितने लोगों को बिजनेस दिए, कितने लोगों को बड़े बड़े कारखाने दिए, कितने लोगों को समान अवसर दिए। आज भी जहां हम अब मेहनत करके खाते हैं, मेहनत कश कौम है इस देश का बहुजन समाज, मेहनत कश कौम है, लूट के नहीं खाता, चोरी करके नहीं खाता, छीन के नहीं खाता, अपने शरीर को रगड़ के मेहनत करके हमारी मां बहने, हमारे भाई। क्या मुख्यमंत्री जी उस 40% आबादी को कीड़े मकोड़े समझते हैं कि वो उनका पैरोकार, उनकी पैरवी, उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते? जनजातीय क्षेत्र में घोषित करके क्या आप लाइसेंस चाहते हैं रेप करने का, हत्या करने का, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की? ये बात गलतफहमी दूर करो। मैं सिरमौर के लोगों से दोबारा वादा करता हूं, मैं हिमाचल शिमला आंदोलन में पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया। इस बार आंदोलन नहीं होगा, इस बार यात्रा होगी सिरमौर से लेकर शिमला तक की, और ऐसी यात्रा होगी कि कोई अधिकारी कर्मचारी राजधानी का और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा, मेरा आप लोगों से वादा। मैं तो बस सिर्फ ये देखने आया कि आप लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। आप ये जानो, कानून हमारे लिए, हमारे हमें सुविधा देने के लिए। भाई मैं मानता हूं जब से देश आजाद हुआ है, आजादी से पहले तो हमें अधिकार थे ही नहीं, थोड़े बहुत अधिकार थे जो अधिकार संविधान में मिले हैं। पूरी सरकार मिलकर षड्यंत्र कर रही है कि किसी तरह से वो अधिकार इनसे छीन लिए जाए, ऐसे ही कानून बन रहे हैं। आप ये बताओ, महसूस करो, जब ये देश आजाद हुआ गरीब गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, कितने लोगों को जमीन बांट के दी सरकार ने, कितने लोगों को आर्थिक रूप से मदद की, कितने लोगों को बिजनेस दिए, कितने लोगों को बड़े बड़े कारखाने दिए, कितने लोगों को समान अवसर दिए। आज भी जहां हम अब मेहनत करके खाते हैं, मेहनत कश कौम है इस देश का बहुजन समाज, मेहनत कश कौम है, लूट के नहीं खाता, चोरी करके नहीं खाता, छीन के नहीं खाता, अपने शरीर को रगड़ के मेहनत करके हमारी मां बहने, हमारे भाई।